सिंह, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ मायके में, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब आने के बाद फिर कहीं जा रही हूँ। मैंने जब कैमरा ऑन किया ना, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने दोबारा से सिंदूर नहीं लगाया फेस वॉश करने के बाद, सो यहाँ दिख नहीं रहा, तभी जाके लगाऊंगी। और ये सिंपल इयर रिंग्स। सो जा रहे हैं अभी मैं, भाई और पूजा और भाई आरती, आरती पूजा। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं। और जो हम सारे जा रहे हैं तो ब्लॉग तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पतदेव जी लेके जा रहे हैं अपने साथ टिंग टिंग, ये देखते हैं कितना एंजॉय करते हैं। सो ये आरती देवी तैयार हो चुकी है, आरती देवी, मिसेज आरती, मिस आरती, आरती देवी नाम काफी सूट कर रहा है देवी तेरे साथ। तो ये जंप सूट पहनकर रेडी हो चुकी है, स्टाइल मारते हुए गई। दीशु बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि ये। अच्छा भाभी नमस्ते भैया, हाथ से इसको पता लगा देते हैं। वापस मत आना, गेट बंद कर दूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो, बड़ा नहीं आना। सैम ये क्या हो रहा है? सैम आराम से गिर जाओगे। हाँ गौरव क्या कर रही है? अरे ये तो खेल रहा है पर मुझे मारता है। सैम बाबू कहाँ गए थे? राजू गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें अपने स्किन पे हमेशा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, क्योंकि जो मॉइस्चराइजर होता है वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, इल्यूमिनेट करता है एंड हाइड्रेट रखता है स्किन को, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ती है। बट क्या होता है ना, कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे होते हैं जिन्हें जब हम यूज करते हैं तो हमारे स्किन पे ऐसे चिपचिपाहट से लगता है ऐसे वेदर में। हमें लगता है कि हम इससे अच्छा मॉइस्चराइजर यूज ना करें, क्योंकि चिपचिपाहट स्किन किसी को भी ऐसे चिपचिपे से स्किन पसंद नहीं होते हैं, इसलिए लोग अवॉइड करने लगते हैं। बट मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, मॉइस्चराइजर की जरूरत है, आप लोग यूज करो। आप लोग ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मामा अर्थ का ये दो मॉइस्चराइजर है, एक है विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद विटामिन सी एंड गोटू कोला फॉर स्किन इल्यूमिनेशन। ये 24 घंटे तक हाइड्रेशन देता है आपके स्किन को, पैराबेन एंड सिलिकॉन से फ्री है, जैसा कि आप लोगों को पता है मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है। इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं, इसमें कोई भी हार्श केमिकल यूज नहीं होता है। और ये आपका स्किन किसी भी टाइप का है ना, ऑयली ड्राई नॉर्मल जो भी है, आपके स्किन को ये सूट करेगा, काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसके साथ में एक और मॉइस्चराइजर है जो कि आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, ये भी है ऑयल फ्री टी ट्री है, ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड। ये भी 24 घंटे तक आपके फेस को हाइड्रेशन देता है फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। अगर आपके फेस पे एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो ये वाला फेस मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री ये आप यूज कर सकते हैं। ये भी जो है ये पैराबेन सिलिकॉन से फ्री है, लाइट वेट फॉर्मूला है और किसी भी टाइप का आपका स्किन है उसको आपको ये सूट करेगा। सो अगर जो भी इसमें से आप लोगों को नीड है आपके स्किन के अकॉर्डिंग, इसमें से आप यूज कर सकते हैं। लाइट वेट फॉर्मूला ये भी है, अभी जो मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर वो है ये विटामिन सी का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, जो कि काफी अच्छा, मतलब स्किन जो है काफी प्लम्पी लगता है, स्मूथ लगता है, झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ती हैं, तो और जो एजिंग की समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिलता है। तो मैं
मॉइस्चराइजर हमेशा ही यूज करती हूँ अपने स्किन केयर में, हमेशा ही मैं उसे ऐड करती हूँ। आप इस मॉइस्चराइजर को दिन में दो बार यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट में। आपको थोड़ा सा लेना है और फेस पे ऐसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो इसमें है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, ब्लैक ओट्स एक्सट्रैक्ट, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट, ये सब कुछ से भरपूर है ये। तो ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है, आप लोग यूज कर सकते हैं। गाइज, अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसे डायरेक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से लेते हैं या फिर मामाअर्थ ने अपना एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है वहाँ से लेते हैं, तो आप मेरा ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं कामनी2022, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप Amazon, Nykaa एंड Purple पे भी ले सकते हैं। गाइज, अगर डायरेक्ट वेबसाइट से लेंगे आप इस प्रोडक्ट को, तो आपको क्या करेंगे, ऑर्डर को एक पेड के साथ लिंक कर देंगे एंड उसका जो एग्जैक्ट पिक्चर एंड लोकेशन होता है वो आपको सेंड कर देंगे। इस तरीके से आप इनडायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट में, अपने जो एरिया उसको ग्रीनी करने में, पेड़ बचाने में, पेड़ लगाने में योगदान दे सकते हैं। अब दिख रहा है अंधेरे में करना हो रहा था, अब मैंने पूरी रोशनी कर दी। ये तत्काल का प्लानिंग था, इस वजह से ये सब गड़बड़ हुआ है। बाल में तेल लगा हुआ इसलिए जुड़ा बना लिया बेचारी। मेरे भी बाल कुछ वो नहीं, मैं भी शैम्पू नहीं करी थी आज। अब इनको पता चल गया ना कि नेल पॉलिश लगा था, और हिला हिला के ले चलेंगे, है ना? रोड सही करवा दो ना, बुलडोजर तो आप ही चलाओगे ना, आप गाड़ी चला रहे हो तो। जल्दी करो भाई, लाइट बंद करना है। हमारे साथ यही दिक्कत है, मैं भी आने के टाइम पे लगाई थी, देखो सब हट भी गया है। मेरा हट जाता है इसलिए मैं लगाती ही नहीं हूँ, मेरा वो हो जाता है ना, लगाते उसी टाइम खराब हो जाता है। उस वाले उसमें थे, फिर रोंग आ गए, गड्ढा है यहाँ पे, उस वाले लेन में थे, इस वजह से हमें फिर आगे जाके घूम के आना।
ये किस लिए बाबू? विशाल मामा का कम था एक ठंडा, ये विशाल मामू के लिए लाया। विशाल मामू के लिए ये है ठंडा है, ये लेके आया। यहाँ जा रही था थोड़ा सब जगह। सो गाइस, यहाँ पे भैया हमें समझा रहे थे, ये वाले भैया, कहीं घूमने जाने के लिए, कहाँ जाने का क्या मतलब, जो प्लान करोगे क्या कॉस्ट आएगा, कितने दिन का है, कैसे जाना है, तो सब कुछ तो सही था, बट इनका जो एट अ टाइम पेमेंट करना था वो ज़्यादा था, तो हमें बहुत याद रहा कि एक दिन में सब में पेमेंट करना। अब ये तो छोटे कॉलेज के सोचे थे, ये पूरा वुडन लेट होते हैं, इस तरीके से ये आपका लिविंग एरिया है और ये आपका छोटे कॉलेज है। मतलब कि छोटी कॉलेज जो हमने आपको दिया है, यहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हमने क्या किया है कि हमने 5 से 6 डॉल्फिन वगैरह की आवाज़ कर रखी है। अगर आप चाहें तो डॉल्फिन को फीडिंग करा सकते हो, टेस्टिंग करके ले सकते हो, कर लीजिए। बाकी किसी भी रिजॉर्ट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे स्विमिंग पूल आपको अवेलेबल है, कहीं भी आप जाओ वहाँ पर। बाकी साउथ में ऑलरेडी होता है ना, तो रिलैक्सेशन के लिए जाना जाता है, यहाँ पे चाय के शोर शराबे से शराबे से यहाँ पे आप दूर रहते हैं। गोवा में हमारे पापा भी देखते हैं, वो देखते हैं। गोवा जब आप सोचते हैं दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अबे गोवा अगर मानी जाता है तो गोवा बोलते ही दिमाग में पहले क्या आता है? बट ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो बीच प्लेस होती है, वो पब्लिक प्लेस होती है। वहाँ पर डिस्टर्बेंस भी वैसा ही होता है, वहाँ जाकर रिलैक्स कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। बट हम लोग आपको प्रॉपर्टी देते हैं ना, इसलिए हमारा खुद का क्या है, दिमाग हमारे बंद होते हैं। ये सब लग पड़ता है आप लोगों अभी है देख सकते हो, कोई बाहर का नहीं आ सकता। बाकी आप गोवा में जाएँ, आप मनाली जाए, शिमला जाए, कहीं भी आप जाओगे ना, तो आपका ट्रेडिशनल स्टाइल वेलकम नहीं होता है, क्योंकि गोवा में माइन आती है पहले, पहले क्या वेलकम होगा? या आपके स्टूडियो अपार्टमेंट है, या आपका लिविंग रूम है, कितना बदल में आपको मिलता है बैठो, जैसे कि आप मैम अपना यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं, फैमिली के बाकी के जो मेम्बर्स हैं वो स्विमिंग पूल वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं। कहीं पर भी आप जाते हैं मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे मैम साल को 11 महीने स्नो फॉल होता है, ये हमारा रिजॉर्ट है, गेस कर सकते हो ये क्या हो सकता है मैम? एनी आइडिया? ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ये क्या हो सकता है? जूम कर सकते हो आप लोग, कोई नहीं पता नहीं, आप ही बता दीजिए। लग पा रहा है क्या हो सकता है? अच्छा, वेदर कंडीशन देख के लग रहा है यहाँ पे कितनी ठंड होती होगी, माइनस में टेम्परेचर रहता है, और ऐसे वेदर कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने आपको स्विमिंग पूल दिया है तो हिम्मत होगी जाने की? बात स्विमिंग पूल है नहीं, जो कि अंडरग्राउंडेड होता है, यहाँ पे आप शाम को या मॉर्निंग में जाके अपना ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। बट कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है कि इसी रिजॉर्ट के सामने आपको एक लेक मिलेगा। अब इस लेक की खासियत ये है कि इसका पानी कभी भी फ्रीज नहीं होता, तो ये चीजें आपको मनाली शिमला नैनीताल में नहीं मिलेंगी, वो ओली में आपको मिलेगी, इसलिए इसको वर्ल्ड का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। मैम कैसी लगी प्रॉपर्टी? होना चाहिए सर ऐसी जगह। सो गाइज, हम गए थे विशाल और पूजा के हनीमून की प्लानिंग करने, आर्थिक प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन कहाँ के लिए ये नहीं बताएंगे। है विशाल, मालदीव की प्लानिंग हुई है, और ये दिखाओ, और उसका कुछ प्रूफ हमारे हाथ में है, बट अभी हम आपके साथ ये चीज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे। है मुझे तो नहीं लगे उसको कह रही है ना पूजा। तो पूजा खुश हो? बहुत खुश हो। अपने नहीं 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 अपने अपने हनीमून को लेकर कितने एक्साइटेड हो ये बताओ पहले। 200% लेकिन अभी आने के बाद बताऊंगी, ऐसे बोलो ना। अभी जाऊँ पहले, बाबू इधर आओ, मैं मम्मा का हाथ पकड़ो। यस, तो खाली है, सब लोग खा पी के चले गए। ये तो खाली है, सब खा पी के चले गए। अच्छा, ये तो साइकिल।
इसको फोटो ले लिया था मैंने, जो नाम था वहाँ पे चलो क्या खाओगे सब लोग बता दो क्या खाओगे रोटी खाओगे रोटी खाओगे बटर बटर नान की बात करो और क्या खाओगे और कुछ तो रोटी कैसे खाओगे क्या कर लेते हैं थोड़ा निकल लेते हैं बताओ बताओ क्या देख लो उसमें क्या है कुछ चटपटा चीज होगी और का तुझे पता ही नहीं है चटपटाई नहीं है वही तो होना चाहिए सीजन पालक का भी सीजन है पनीर का आप बताओ बाबू तो डाल दे देना मुझे रोटी हां डाल कर ठीक है मशरूम है मशरूम की आप मुझे रोटी आप लोग कहां है मशरूम का देखिए मैम की पढ़ाई मैम के बगल मैम जी मैम की मैंने नहीं बोला चलो मैम की वो मंगा ले क्या हांडी बने दो मर्जी मंगा ले पनीर दो प्याज या फिर हांडी बने कोई का लग रहा है इसके खांसी आ रही है आसम कौन सी सिंगर है ये तो गाइस तो हमने बहुत सारी मस्ती की और हमने सोचा कि हम बाहर घूमने आए हैं तो थोड़ा और कहीं घूम लेते कुछ देसी खा लेते हैं तो हम यहाँ पे आए थे देसी रेस्टोरेंट में जहाँ आके हमें मुरथल की याद आई थी काफ़ी अच्छा प्लेस था खूब मस्ती की हमने अब क्या करोगे बर्फ देखते ही आपको कुछ हो जाता है इसके ऊपर खराब चोट नहीं लगा दुराते मौज लग गई याद है इसको दुराते वाली बात दरवाजे पे हो रहा हमारा इन सो गए हैं बाबू सब सो गए हैं हैं अब हम यहीं सोएंगे आज घर के बाहर हमें पूरी रात बितानी है आ गए मम्मी सोने लगे बाबू यहाँ बैठो मतलब खड़े खड़े ऐसे सोना है ऐसे नीचे नहीं सोना है आंख बंद करके हाँ सो गए चलो मामी भी सो जाएंगे जाओ फिर अंदर में जाना